उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने जिन लोगों को मुख्य आरोपी बनाया उनके बारे में कई अहम खुलासे किए गए हैं। पुलिस जिस अब्दुल मलिक को हिंसक भीड़ का नेता बता रही है उसकी बेगुनाही का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस फुटेज को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है देश के वरिष्ठ एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण ने। और इस फुटेज में ये दिखाया गया है कि हिंसा के दिन यानी कि 8 फरवरी के दिन दिल्ली और नोएडा में अब्दुल मलिक मौजूद दिखाई देता है। इसी बीच पुलिस ने हिंसा के कथित मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद को भी गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के बाद नैनीताल पुलिस इस गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी बता रही है, लेकिन पुलिस की FIR और ताज़ा खुलासों में कई विरोधाभास दिखते हैं। हल्द्वानी में एक मदरसा और मस्जिद को कथित अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान गिराया जा रहा था, तभी हिंसक भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। सीएम पुष्कर धामी ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए थे। कर्फ्यू लागू किया गया था और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन अब हल्द्वानी के बनभुलपुरा हिंसा पर खुलासे ने राजनीतिक साजिश का इशारा किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में, मेरा नाम है नेहा शुक्ला। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो हल्द्वानी हिंसा और क्या है अब्दुल मलिक जिसे UAPA के तहत मुख्य आरोपी बनाया गया है, बनभुलपुरा हिंसा जो हुई थी उसका मुख्य आरोपी और वही हिंसक भीड़ को उसका नेतृत्व कर रहा था, और कुछ सवाल और हैं जो कि इस CCTV फुटेज के सामने आने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं। सवाल क्या है, क्या हल्द्वानी हिंसा किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, नतीजा है? क्या पुलिस अपनी जांच में CCTV फुटेज को साक्ष्य बनाएगी? क्या इस एंगल से भी पूरे हिंसा की जांच की जाएगी? हिंसा के दिन अब्दुल मलिक दिल्ली में नेताओं से मिलने क्यों पहुंचा? क्या इस बात की भी जांच पुलिस कर रही है? अब्दुल मलिक ने वकील से मुलाकात क्यों की? इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है, आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और मुकुल त्रिपाठी जो कि वरिष्ठ पत्रकार और उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ उत्तराखंड की भी जो सियासत है या फिर वहाँ पर जो भी बड़ी सरगर्मियाँ घटनाक्रम होते हैं उनको बारीकी से देखते और परखते हैं। मुकुल जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। शुरुआत अनिल सर मैं आपसे करना चाहूँगी, आपने भी वो पोस्ट देखी और इसके बाद कहीं ना कहीं शंकाएं मन में पैदा होती हैं कि इस तरह के जो दंगे होते हैं, जो हिंसा होती है, और कहा जाता है कि ये सांप्रदायिक दंगा है, सांप्रदायिक हिंसा है, उसके बाद जो सच्चाई कह लीजिए या फिर जो डिजिटल एविडेंस कह लीजिए, इस पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए, उसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? अनिल सर, देखिए उत्तराखंड एक RSS की लेबोरेटरी है कम्युनल ये के लिए, गुजरात के बाद सबसे ज्यादा जिस स्टेट में कम्युनल फ्लेयर अप की कोशिश की जा रही है, जबकि वहाँ की डेमोग्राफी में उस तरह की सिचुएशन नहीं है। कुछ इलाकों को छोड़ करके मुसलमान कुछ बड़ी संख्या में वहाँ है नहीं, और उस तरह से UP या जो थे बिहार या जो नॉर्थ इंडिया के बाकी इलाकों में जिस तरह से काफ़ी बड़ी संख्या में रूरल एरियाज में, या मतलब इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड कई इलाकों, सब इलाके में है, कुछ इलाकों में ज़्यादा है कंसंट्रेशन, कहीं कम है, वैसा नहीं है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के बारे में एक बात और समझ लीजिए कि उत्तराखंड में अपर कास्ट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ बैकवर्ड एंड दलित, मतलब द बैकवर्ड्स तो बहुत कम संख्या में है, दलित की संख्या है और ट्राइबल्स हैं, ST SC एंड फॉरवर्ड कास्ट, ये डेमोग्राफी है। लेकिन वहाँ पर लंबे समय से, और ये जो पुष्कर सिंह धामी है वो RSS के कैडर रह चुके हैं, प्रॉपर RSS के लिए ये उन्हीं को लीडर बनाया गया, तो वहां पर लगातार उसको एक कॉमनल ये के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। वहां का जो उनको एडवांटेज ये है कि वहां पर कई तीर्थ स्थल हैं जो कि देश भर में जिनकी मतलब जिसको आप कहते हैं कि काफी पूजनीय स्थल है, इसकी वजह से वो वहां से
जो कम्युनलिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं आप पूरे देश भर में डिसेमिनेट करते हैं, तो ये उनका है। अब वहां पर चल रहा है लैंड जिहाद। लैंड जिहाद के बारे में मतलब एक बहुत बड़ी नैरेटिव क्रिएट बनाई है बीजेपी गवर्नमेंट ने वहां की, कि मदरसा मजार और जो दरगाह मतलब उनके है स्थल मतलब मुस्लिम लोगों ने वो अनऑथराइज्ड लैंड पे बना रखे हैं और उसके लिए एक ड्राइव है कि उनको हटाओ गिराओ, और वो कर रहे हैं लगातार। अब है वो उसमें बल्कि एक किसी जगह उन्होंने दिल्ली की किसी मीटिंग में मतलब राम कथा किसी समारोह में उन्होंने कहा भी पुष्कर सिंह धामी ने कि 5,000 एकड़ जमीन हमने लैंड जिहाद में जो अतिक्रमण कर लिया था मुसलमानों ने वो हमने उसको मुक्त कराया। तो ये एक नैरेटिव वहाँ कॉमनल नैरेटिव लैंड जिहाद, और आप जानती हैं कि लैंड जिहाद मतलब वो लव जिहाद का दूसरा फॉर्म है जी। ये इसको हम जो हल्द्वानी की हिंसा है उसमें फैक्ट फाइंडिंग टीम भी गई थी, वहां पर जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था लोकल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट उसको उन्होंने टर्न कर दिया अल्टीमेटली कम्युनल एंगल में। अब जहां तक सवाल है कि ये डिमोलिशन ड्राइव का जो ये मामला है वो क्या है, आप देखिए क्या कि एकदम इलीगल ढंग से, चूंकि हमारे यहाँ जुडिशियरी के बारे में भी मैं मतलब साफ कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या किसी को इससे कोई मतलब नहीं है कि ह्यूमन राइट्स का क्या वायलेशन हो रहा है। आप बताएं कि अगर आपने अगर हत्या की है या पुलिस पर पत्थर फेंका है या आप टेररिज्म की एक्टिविटी में हो जी। तो आपके घर को गिराने का मतलब है कि आपके पूरे परिवार को पनिश करना, जो नेचुरल जस्टिस के किसी भी सिद्धांत में पूरे दुनिया में कभी ये नहीं होता है कि बाप ने अगर कोई की है तो उसको बेटे को सजा मिले, या बेटे ने जो गलती की उसकी सजा उसकी माँ उसके परिवार को मिले। लेकिन ये आराम से मतलब उत्तराखंड में तो ये लैंड जिहाद के नाम पर कर रहे हैं। आप यहाँ उत्तर प्रदेश में आप देखती हैं कि इसको उसने बना लिया बुलडोजर बाबा के नाम से वो जाने जा रहे हैं। सबको पता है कि बुलडोजर किस पे चल रहा है, कितने अतिक्रमण धार्मिक स्थलों को लेकर के जो भी है मतलब, अब उसमें मैं किसी धर्म पे ये कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आपको पता है कि ये जो रोड साइड में इतने मंदिर बने हुए हैं कि आप क्या करेंगे उसका, लेकिन उसका ड्राइव कभी आपने सुना है कि किसी को ये कर रहे हो? तो ये क्लियर कट एक मुस्लिम मुसलमानों को आइसोलेट करना, उनको पनिश करना, उनको सिटीजनशिप से बाहर करना, ये है। वहाँ यूसीसी चला हुआ है जी। और बताएं कि यूसीसी जो है उससे हमें उसका भी एग्जैक्ट पॉपुलेशन के बारे में मालूम नहीं है हमको, मुसलमानों का क्या परसेंटेज है मैं अभी नहीं बता सकता, उधर देखना पड़ेगा। लेकिन मेरी जानकारी में कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, एक दो को एकाध हो तो छोड़ करके, जहां पर कि मुसलमानों की वजह से डिसाइड होता हो ये क्या कहते हैं पोल आउटकम। तो ऐसी लेकिन यहाँ यूसीसी का बहुत चला हुआ है, इसीलिए कि वो लेबोरेटरी है इसका आरएसएस का जो गुजरात के बाद की लेबोरेटरी है वो उत्तराखंड है जी। बहुत ही स्पष्ट जानकारियां उत्तराखंड में किस तरह से सरकार चलाई जा रही है, और लव जिहाद के बाद अब जो लैंड जिहाद की बात अनिल सिन्हा ने यहाँ पर सामने रखी है, और कहीं ना कहीं इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। मुकुल जी, जिस अब्दुल मलिक की बात हो रही है और जो वो कह रहे हैं अपने डिफेंस में कि मैं तो 8 फरवरी के दिन था ही नहीं, दिल्ली और नोएडा में घूम रहा था, और उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि शाम तक जो न्यूज़ आई है हिंसा की बनभूलपुरा में उसका जो है ठीकरा अब उनके सर फोड़ा जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस ने एफआईआर में जो जो बातें अब्दुल मलिक के बारे में कही हैं और जो जो साक्ष्य कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए हैं वो बिल्कुल विरोधाभासी हैं। ये जो हल्द्वानी में हिंसा हुई जिसमें लगभग मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं बुरी तरह से घायल हो गए थे, कुछ पुलिसकर्मियों के ऐसे वीडियो सामने आए कि पता नहीं हिंसक भीड़ ने उनके साथ क्या कर दिया है, वो उनको मारने पर आबदा थी, कुछ इस तरह की तस्वीरें मीडिया में दिखाई जा रही थी, लेकिन इस हल्द्वानी हिंसा का सच आखिर क्या है आपकी नज़र में? देखिए ये हिंसा तभी शुरू हुई जब उन्होंने उनके धार्मिक स्थल पे बुलडोजर चलाना शुरू किया, तो पूरी पब्लिक आसपास की बट ऑफ वैसे कि किसी का धर्म हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जब आपके धार्मिक आस्था पे कोई चोट करेगा तो जाहिर बात है उसका एक विरोधाभास होता है जी। ऐसी घटनाएं
ऐसी घटनाएं यहां मैनपुरी और आपके आगरा में हुई हैं, जिसमें मंदिर तोड़ा गया, अवैध था, और उसमें जो धार्मिक संगठन है हिंदुओं के, उन्होंने कहा 72 घंटे में मंदिर बना दीजिए, वरना फिर एसडीएम को और आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को कई जगह घेराव भी हुआ जी, और पूरा विरोध हुआ, वहां पे भी लाठीचार्ज हुआ, वहां पे भी सब कुछ हुआ, लेकिन मंदिर टूट गया। यहां पे भी अवैध था, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जिसमें, जहां हम लोग का जो आज मुख्य टॉपिक है कि मुसलमानों को क्यों फंसाया जाता है, तो जहां तक उस पार्षद की बात है जो दिल्ली में था, उसको उसके बारे में जो आज ट्वीट हुआ है, उस ट्वीट की जांच पुलिस करेगी, हम आप नहीं कर सकते जी। फिर अगर वो वास्तव में दिल्ली था तो दुनिया की कोई ताकत उसको आरोपी नहीं ठहरा सकती। वो अगर अपनी कार से गया था, ट्रेन से गया था, जैसे भी गया था, उसके पास कुछ साक्ष्य होंगे, सीसीटीवी ऑलरेडी प्रशांत भूषण उसको ट्विटर पे डाल चुके हैं, तो कोर्ट भी मानेगा। कोर्ट तो किसी के बस में है नहीं, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, न्याय तो उसको मिलना ही। और बहुत केसेस में आप भी जानती हैं कि अंतिम समय पे जाके न्याय मिला है, भले ही देर से मिला जी, लेकिन न्याय मिला है, और फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन आप इस कॉन्स्पिरेसी को आज समझिए कि इन चीजों को इतनी महत्वपूर्ण तरीके से क्यों उठाया जा रहा है। इसका बैकग्राउंड बहुत पुराना है। आप चाहे रूप हिंसा की राजस्थान वाली बात करिए, चाहे आप जो 3-4 घटनाएं हैं जो बड़ी घटनाएं हैं, इसमें आपका 31 मार्च 2023 को राम जुलूस निकल रहा था, जुलूस में एक एमपी के बिहार के विधायक है, पूर्व विधायक, उन्होंने बाकायदा एक जहरीला भाषण दिया जिसके बाद हिंसा हुई, उसमें उनको आरोपी बनाया गया और गिरफ्तार किया गया। यही हाल ऐसे ही भोपाल में भी हुआ था। तो कुल मिला के ये है कि आप जो सरकार है, सरकार ही जब अगर 80-20 करने लगे और टोपी पहनने वालों को टारगेट करने लगे, तो फिर उस चीजों का क्या मतलब रह जाता है कि या तो आप उनको देश से बाहर कर दीजिए, आप उनको टारगेट बना के हिंदुओं को डराते हैं कि मुस्लिम बसता जा रहा है। जैसे अभी अनिल भाई साहब ने कहा कि जो बस रहे हैं, आपको अभी ताजा उदाहरण, शायद आप ही के साथ में बैठा था पिछली डिबेट में कुछ दिन पहले, अकबरपुर लखनऊ में एक जगह है, इंदिरा नगर के एकदम मेन रोड पे, बहुत हॉट प्रॉपर्टी है, उसपे जो दुकानें हैं, उसमें जो एक करीब 1.5 किलोमीटर का एक एरिया है, उसको पूरा डिमोलिश कर रहे हैं गोमती नदी के किनारे जी, और वहां पे अच्छी तादाद में हिंदू भी है, मुस्लिम भी जी, मुस्लिम बहुसंख्यक है, वो मुस्लिम आबादी, उसमें मस्जिद भी है, उसमें इरम एक इंटर कॉलेज है जिसमें करीब 800,000 लड़कियां पढ़ रही थी, उन सबको ना करते हुए, मतलब उसकी खिड़की विड़की कुछ कॉलेज वालों ने तोड़वा ली है जी। हाई कोर्ट की रेमडी नहीं थी, कल की डेट में वहां पे सारी दुकानें मेन रोड की तोड़ दी गई। तो टारगेट जिसको बनाया जा रहा है वो किसके शह पे बनाया जा रहा है? बेसिक हमारी बात, मेरा कहने का मतलब ये है, जब बड़े नेता, दिल्ली हिंसा हुई, दिल्ली हिंसा आप सब गवाह हैं, दिल्ली हिंसा होने का मुख्य कारण कपिल मिश्रा का एक बयान था, याद होगा आपको, और उसके बाद फिर वहां की महिलाओं ने विरोध किया, विरोध करने के बाद धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद हिंसा हो गई। दिल्ली हिंसा में साफ तौर पे यह पाया गया कि पुलिस वालों और पर्टिकुलर एक पार्टी के लोगों ने अच्छा खासा उस पूरे बवाल को बढ़ाया था, जो 3 दिन तक जब ट्रंप यहां मौजूद थे तो दिल्ली जल रही थी जी, जिसमें 2 सरकारी, एक यंग लड़का था वो मारा गया था, और एक सिपाही, इंस्पेक्टर या सिपाही मारा गया था। तो जब आपके आज भी जो जहर उगलने वाले बयान है, वो अगर आप अदर कम्युनिटी को सम्मान नहीं देंगे, वो आपको सम्मान नहीं देंगे, और उसके बाद चारा, आपके पास पावर है, आप जो भी बोलते थे, तो चीजों को जब अगर आप देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसी घटनाएं हुई है, आरोपी बनाए गए हैं और बनाने के बाद में छोड़े भी गए जी, और उनके पास कोई साक्ष्य नहीं मिला उठा के, हम अकल पुलिस आके हमको बंद कर दे। तो मुझे तो अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा ना, पुलिस तो मेरा साथ नहीं देगी जी, वो अपना बोलेगी, लेकिन मैं अपने साथ से जुटा के कोर्ट में जाऊंगा अपने वकील के थ्रू, फिर चाहे मुझे लोअर कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, मुझे जेल में रहना पड़ेगा, और फिर मैं जो है आगे जाके न्याय की आस लगाऊंगा कि हाँ कहीं से तो मुझे न्याय मिलेगा, रेमडी मिलेगी, जमानत मिलेगी, तब मैं बाहर आऊंगा। तो चीजें आज की डेट में ये हो गई कि एक पर्टिकुलर फॉर्म आप धमका के रखे हैं, और वो लोग जो आपने अगर उसको देखा होगा कि लोगों ने वहां पे
बाकायदा नगर निगम का टैक्स दे रहे हैं, पंचायत टैक्स दे रहे हैं, नगर निगम का टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वाटर कनेक्शन है, सब कुछ बसा हुआ है जी। तो जब इतनी बड़ी संख्या में आप किसी को अगर मान लीजिए डिमोलिश करते हैं तो उसका कोई ऑल्टरनेट आपको देना चाहिए। तो ये चीजें जब देखिए सरकार के पास तो एक फंडा है कि उन्होंने इतना, जैसे भी हुआ ना लैंड जिहाद जी, लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद आ गया, इसके बाद देखिएगा कुछ दिन बाद कोई तीसरा जिहाद आ जाएगा। यानी तो मकसद जो है ये एक ऐसी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जिसका मकसद डर का माहौल बनाए रखना है, वो डर का माहौल अपने फायदे के लिए कि हम आपको डराएंगे तो आप मुझको वोट देंगे कि मैं ही आपको बचा सकता हूं। जबकि होता यह है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एक कहावत होती है आपस में है भाई भाई, ये सिस्टम खत्म कर दिया है। सिख हो गए हैं खालिस्तानी, मुस्लिम को आपने पाकिस्तानी बोल दिया और उनसे आपको खतरा हो गया। 80% आप हैं तो 20% अगर 80 लोग एक तरफ हैं तो 20% लोग क्या हमारा उखाड़ लेंगे भाई जी। और आज तक क्या हुआ, दंगे तो आज भी होते थे, दंगे तो अभी भी हुए हैं जी। अगर दंगों की फेहरिस्त देखी जाए तो दंगे क्या आतंकवादी घटनाएं बहुत हुई है जब से 2014 से सरकार आई है, 8-10 मुख्य घटनाएं तो मैं आपको अभी गिना दूं जी। तो ये कहना कि यहां कुछ नहीं होता ये अलग बात है कि इसको जो इनके बीजेपी के जो अपोनेंट्स हैं इंडिया गठबंधन हो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो इसको कैश नहीं कराती है। ना कराने की वजह से ये चीजें ज्यादा बढ़ती है और पब्लिक में परसेप्शन आ गया है कि बीजेपी है तो मैं सुरक्षित हूं जी। जबकि कांग्रेस में पूरी पढ़ाई की, कांग्रेस में ही पढ़ लिख के आज जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो सब यहां तक पहुंचे हैं, पढ़े लिखे अगर है तो, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात ही नहीं पिंटो। तो कुल मिला के ये है कि इस तरह का डर पैदा करके बयान देने वाले जो बड़े नेता हैं वो शह देते हैं राज्य सरकारों को, पुलिस अधिकारियों को कि आप ऐसे कार्रवाई करके इनको उठा के, जैसे ईडी और सीबीआई करती है, उठा के बंद कर दो, बाद में अपने आप को झेलता रहेगा, बाद में भले वो बरी हो जाए। वही हाल आज की डेट में मुसलमानों के साथ हो रहा है। अनिल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि फॉर्मर बीजेपी एमपी, उनसे मिले उनके वकील, अब्दुल मलिक के वकील और वो खुद, और इस पूरे मामले में जब बीजेपी का नाम सामने आता है और इस तरीके से कि जो मुख्य आरोपी उसने मुलाकात की बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता से, तो फिर इसे कैसे देखा जाना चाहिए? इसमें और क्या है कि ये देखिए, एक चीज जो बताया मुकुल साहब ने वो उसी को मैं कहूंगा कि ये क्यों, मतलब कौन करवा रहा है, क्यों स्टेटमेंट देता है, तो जाहिर है। और किस समय क्या है इसका टाइमिंग निश्चित तौर पर 2024 के पहले बहुत बड़ी कोशिश चल रही है कि दंगे मतलब पोलराइजेशन हो। एग्जैक्टली दंगा कहाँ कराना नहीं कराना है वो मालूम नहीं, उसके बारे में अपन जानते नहीं, लेकिन कॉमनल पोलराइजेशन हो जाए, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। एक मिनट में जरा सा इसको ले लूं जी, ये इसका बैटरी जा रहा है। तो वो कॉमनल पोलराइजेशन जो है उसको वो उनका टारगेट है। और ऐसी स्थिति में आप इसको आप मतलब क्या उम्मीद कर सकते हैं इसमें एग्जैक्ट उनका क्या मिले, लेकिन इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है जो ट्वीट किया है प्रशांत भूषण जी ने और जो वीडियो है उसमें तो साफ है सीसीटीवी फुटेज में कि वो है, मतलब उसका लोकेशन वो मिल रहा है, मतलब वो कहाँ गया है सब कुछ साफ जाहिर है। तो इसका मतलब ये है कि इसको यूज करने का इरादा था। अब लोकल इसमें क्या एंगल है कि हल्द्वानी में कौन सा बीजेपी का कैंडिडेट अभी इसमें इंटरेस्टेड है लोकसभा का चुनाव के समय में, या इसमें आप जो जानकारी मतलब जांच का विषय है वो है कि इसमें कैसे यूपी की बाकी लीडरशिप इन्वॉल्व थी या और उनका कोई ये था, ये सारा कुछ तो खुला बाकी है। ट्रांसपेरेंसी की कोई उम्मीद मत करिए। अभी देश में एक ऐसा काल चल रहा है जिसकी तुलना आप सिर्फ रूस के पुतिन गवर्नमेंट से कर सकते हैं। यहाँ पर कोई सैंक्टिटी किसी भी संस्था की नहीं है। ईडी चुनता है, बकायदा सुबह में लिस्ट पर आता है कि किस आदमी का, मतलब किस आदमी का कितना इंपॉर्टेंस है विपक्ष की राजनीति के लिए और अभी उसकी क्या जरूर मतलब वो किस तरह की भूमिका निभाएगा, उसके हिसाब से वो तय करता है कि किसके यहाँ जाना है। अभी सीबीआई का नोटिस, जैसे ही इंडिया गठबंधन की घोषणा मतलब सीट शेयरिंग खत्म हो गई तो अखिलेश को सीबीआई नोटिस मिली 11-12 साल पुराने केस को लेकर के, और मतलब आप सोच सकती हैं। और उसमें एक आदमी ऑलरेडी जेल में है, उसकी
पत्नी विधायक है सपा की, महाराजी प्रजापति। तो ये जो पूरा एंगल है कॉन्स्पिरेसी, तो पूरा जब जब देख लीजिए एक बात है, जब पॉलिटिक्स कॉन्स्पिरेसी में बदल जाए, जब आपको राजनीति नहीं करनी हो, आप ईडी सीबीआई या पूरा सिनेरियो देखिए, तब आपको इंडिविजुअल कॉन्स्पिरेसीज के बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत नहीं है। कोलैप्स कहाँ है मुसलमानों के मामले में, वो मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि किस तरह से डिमोलिशन चल रहा है, लेकिन डिमोलिशन को भूल जाइए। अतीक अहमद का जो मामला है, दोनों भाइयों की जो हत्या हुई आप पुलिस के कस्टडी में, आपको क्या लगता है ये क्या है, ये कॉन्स्पिरेसी, इसको आप क्या कहेंगी? पुलिस की कस्टडी में बाहर का एक आदमी मार के चला जाता है, उसके बाद उसको मीडिया, यहाँ का गोदी मीडिया उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को मतलब बुलडोजर बाबा और मतलब सबको ठीक कर दिया, पूरा गवर्नेंस मतलब जीरो टॉलरेंस टू क्राइम इस तरह से पोर्ट्रेट करता है। लेकिन ये जो पोर्ट्रेयल है वो क्या है, कुछ है? आप देख लीजिए कि इसकी जिम्मेदारी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि जिस आदमी को आपने कस्टडी में रखा है, अगर वो सजा याफ्ता, ये तो अभी सजा याफ्ता भी नहीं था, अगर वो सजा याफ्ता है मतलब अगर फांसी पर भी चढ़ने वाला है, तो फांसी के एक घंटे पहले अगर उसको जुकाम हो जाए तो उसको फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता है। मतलब उसके स्वास्थ्य की, उसकी जिंदगी की, जब तक वो कानून के हिसाब से उसको फांसी नहीं दी जाती है, उसकी रक्षा करना आपका काम है। तो वो आपने देखा कि यही है, तो लॉ मतलब लॉ एंड ऑर्डर का कोई क्या सिचुएशन है और कानून की क्या स्थिति है वो आप देख सकती हैं। निश्चित तौर पर इसमें संभावना है, हम जानते नहीं इसलिए इस पर हम कह नहीं सकते, लेकिन कॉन्स्पिरेसी होने की पूरी संभावना है। जब पूरा स्टेट ही जब कॉन्स्पिरेसी के तरीके से चल रहा हो, तो आप ये इंडिविजुअल केस में अब्दुल मलिक हो या हल्द्वानी का कोई आदमी हो या कहीं राजस्थान का हो, अगर वो इसका विक्टिम बनता है तो क्या है। लेकिन आपको तो ये भी पता होगा कि जो टेररिज्म के केसेस में कई लोग जो दशकों जेल में रह करके आए, उनको एक निकल गए, मतलब उनको अदालत ने बरी कर दिया और उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। तो पुलिस का इनोसेंट लोगों को फंसाने का काम कोई नया है नहीं, लेकिन ये इनोसेंट नहीं है, इनोसेंट नहीं है। फिर इसको जब ये उसको कैसे पकड़ लिया है पुलिस, ये बहुत इसमें घालमेल लग रहा है। अगर मान ले देखिए क्वेश्चन अगर करेंगे, अब्दुल मलिक अगर उनका आदमी था तो फिर पुलिस ने उनको गिरफ्तार क्यों किया उसको, अगर वो मेन कल्प्रिट है तो ये क्या है, कोई इंटरनल राइवलरी है या कई किस तरह की बात है, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन इसमें इतना क्लियर हो गया कि एक कॉन्स्पिरेसी जरूर थी कि कॉमनल टेंशन वहां क्रिएट हो, वहां वायलेंस है, ये तो है, लेकिन अब कौन कर रहा है क्या कर रहा है ये पता करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है ये एक बिल्कुल अचानक से हिंसक हो गई भीड़ का मसला नहीं है जिसने कि पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया, बल्कि खुद पुलिस ने हालांकि अपनी एफआईआर में कहा है कि ये प्री प्लान जो है मॉब अटैक किया गया सिक्योरिटी पर्सनल पे। मुकुल त्रिपाठी के पास चलते हैं। मुकुल जी, आपसे समझना चाहूँगी कि अब हम क्या समझें आने वाले समय में, आने वाले दिनों में। अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है, और जैसा कि अनिल सर ने कहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी, और निर्दोष कम से कम अब्दुल मलिक नहीं दिखता है, वो किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा ज़रूर नज़र आता है। मुकुल जी, आने वाले दिनों में आपकी क्या आशंकाएं हैं कि किस तरह की जो है जाँच अब आगे बढ़ सकती है, और जिस अतीक अहमद और उसके भाई का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में जैसे सरेआम एनकाउंटर गोलियों से मार दिया गया और उसके बावजूद पुलिस देखती रह गई, और उसके अंजाम क्या हुआ ये अभी तक कुछ सामने नहीं आ सका है। ऐसे देश में, उत्तराखंड में जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर कानून व्यवस्था जो है एकदम चाक चौबंद, और उसके बावजूद इस तरह की हिंसा होती है, लोगों की मौत हो जाती है, उसके बाद अब्दुल मलिक पकड़े जाते हैं, उनके बेटे पकड़े जाते हैं, और फिर कुछ और खुलासे होते हैं सामने। मुकुल जी, देखिए मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि वो आरोपी हैं या नहीं है, वो दंगे में थे या नहीं थे, एक जांच का विषय है। किसी भी चीज को हम लोग यहां बैठ के नहीं फाइनलाइज कर सकते। हाँ, इसके पीछे कौन है और ये कौन से लोगों की शह पे, आपने जैसे बोला पुलिस क्या करेगी,
क्या न्याय करेगी? आपकी सरकार हो तो पुलिस आपके हिसाब से काम करेगी, अनिल जी की सरकार है तो अनिल जी के हिसाब से काम करेगी, मेरी बन गई तो मेरे सिद्धांतों के हिसाब से काम करेगी। ये आप जहां पे भी जिस स्टेट में है आप जानती होंगी, सरकार बदलते ही पुलिस भी बदल जाती है। जी, कभी मायावती के चक्कर में थी तो हमारे यहाँ यूपी में मायावती की चलती थी और सारे इंस्पेक्टर और सब उन्हीं की सुनते थे, उसी हिसाब से काम होता था। तो सरकार जैसे जैसे बदलती है चोला बदलता जाता है, कलर वही रहता है सरकारी पुलिस वालों का, वर्दी खाकी रहती है लेकिन पूरा दिमाग और मानसिकता सब बदल जाती है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा इसके पीछे, देखिए अभी कुछ दिन पहले एक गुजरात में ऊना जिले में एक तनाव हुआ था रामनवमी पे दंगे भड़काने का, जिसमें काजल हिंदुस्तानी एक बहुत चर्चित नाम है, उनका नाम आया, उनको गिरफ्तार किया गया। और विश्वास मानिए काजल हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ बहुत उन्होंने हेट स्पीच दी, उसी के बाद दंगा भड़का और उसको हमारे प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं जी, तो सारी बात वहीं खत्म हो जाती है। और इस इन चीजों में ऐसे एक नहीं, मेरे पास पूरी लिस्ट है जहां पे बीजेपी के नेता ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो खुलेआम एक्स पे, ट्विटर जो है उस पे सीधे सीधे मतलब प्रॉपर आप ये मान के चलिए उनको पाकिस्तानी और क्या नहीं बोलते, सारी चीजें बोल देते हैं और बड़े अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई मुस्लिम उस पे कोई प्रतिक्रिया करता है तो उसको फिर समझिए वहां से जाना ही पड़ता है अपनी इज्जत बचाते हुए। तो ये जो एक समूह तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री जी को भी मैं सुन रहा था, नए युवा लोगों को लड़के बैठे हुए थे तो उनको कह रहे थे कि युवा हमारे साथ है। आप ही बताइए कोई पढ़ने वाला आईएएस पीसीएस पीएचडी और किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हो, एमबीए कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, क्या वो कोई जाता है रैली में? मुझे तो नहीं लगता कोई जाता हो, मुझे तो ऐसा पढ़ने वाला कोई लड़का नहीं मिला जो रैली में जाता हो। सुनने जा सकता है कि हाँ चलिए 2,000-4,000 लोगों में 2-3 लोग, लेकिन जिसके पास अभी अगले महीने पीसीएस की वो हो क्या कहते हैं एग्जाम शुरू होने वाला है, और ये भी नहीं गुजरात का आदमी, गुजरात का लड़का पढ़ने वाला हो या एमपी का लड़का पढ़ने वाला हो तो यूपी में आके एग्जाम देता है वो, बिहार के तो यूपी में जाते हैं, यूपी के हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह जाते हैं। तो जो पढ़ने वाला उसको मालूम है किस स्टेट का कौन सा निकल रहा है, उसके लिए राजनीति के लिए समय नहीं है। जिन लोगों के पास काम नहीं है, जो या तो बिजनेस कर रहे हैं या पार्टी से जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए तो सही है ये बात, लेकिन जो पढ़ने वाली एक बहुत बड़ी, भाई बच्चा पढ़ता है तो लड़का पढ़ने के बाद हम लोग की भी उम्र थी, हम लोग भी तैयारी किए हैं, तो आदमी जब तैयारी करता है तो इन सब चीजों से दूर हो जाता है। आज की डेट में यंग जनरेशन इन सब विवादों में नहीं पढ़ना चाहती जी। और पढ़ता कौन है जिनके पास कोई काम नहीं है? तो आप एक पर्टिकुलर क्या, अब तो कई कौमें ऐसी हो गई है जिनको टारगेट बनाते हैं, क्रिश्चियंस अलग टारगेट बन रहे हैं, सरदार अलग वो बन रहे हैं, मुसलमान पहले से टारगेट में था। तो ये यही सब कर करके अभी देखते जाइए, जैसे जैसे इलेक्शन आता जाएगा ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी बढ़ती हुई, और सख्त कार्रवाइयां भी बढ़ेंगी। इससे उस पर्टिकुलर वर्ग में जो 20-25% बीजेपी का कांटी वोटर है, जो हिंदुत्व का झंडा उठा के चलता है, वो बड़ा खुश होता है कि हाँ चलो ये काम इन्होंने किया। बुलडोजर बाबा की भी बात की अनिल भाई ने, तो बुलडोजर बाबा सबके पसंद नहीं है, बाबा पसंद हो सकते हैं, उनकी वर्किंग पसंद हो सकती है, वो मैं भी बहुत मानता हूं कि वो आदमी ईमानदार आदमी है, वो योगी जी झूठ नहीं बोलते जी सब, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिसपे फिर प्रश्न उठने लगता है। और सरकार से सवाल पूछना, आप समझती हैं सरकार से सवाल पूछने का मतलब क्या होता है, लेकिन यह कि अभी बचे हुए लोग जो पूछ रहे हैं सवाल, जिस दिन यूट्यूब पे भी बैन हो जाएगा उस दिन सारे चैनल बंद हो जाएंगे जो चल रहे हैं, अब उसकी भी तैयारी सुन रहे चल रही है कि इस सरकार में नहीं अगली सरकार आते ही कुछ ना कुछ उसके ऊपर भी ब्रॉडकास्टिंग में आएगा। तो चीजें जो आपकी हेट स्पीच नेता देते, नेता के साथ एंकर देने लगे जी। अभी सुधीर चौधरी का बवाल आपको पता ही होगा कि कितना उनको उनको यूट्यूब हटाना पड़ा, यूट्यूब से वो वीडियो जी। तो वो वीडियो हटाने पे उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई ये समझ में नहीं आया। उसके ऊपर तो बैन लगने आना चाहिए कम से कम, कि जिस तरह से वो घृणित भाषा बोल रहा था उस भाषा का तो आदमी को पत्रकार कहना गलत है, वो पत्रकार हो ही नहीं सकता।
लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने तो बकायदा ये गाइडलाइंस दे रखी है कि हेट स्पीच को लेकर स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट की बातों का कोई असर नहीं है, ना ही सरकारों पर ना ही पुलिस पर। एक छोटा सा मामला बता दूं, बाबा रामदेव का भी आया था, उनके विज्ञापनों में जो भ्रामक आईएमए ने जो आपत्ति की थी, आप ये बताइए कितना बड़ा बवाल था, किस तरह से उसने जलील किया था, सारे डॉक्टरों को जलील किया था, और खुद जब बीमार पड़ते हैं तो 2-3 साल पहले भी हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हुए थे जी, उसकी फोटो भी वायरल हुई थी। तो ये कहना कि जैसे राम भद्राचार्य जी ने कहा कि मंदिर आ जाओ सारे रोग खत्म हो जाएंगे, और खुद जब नौबत आई तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो देखिए, झूठ से कोई धर्म नहीं चलता है। आप मंदिर अपनी जगह, आस्था का विषय, अस्पताल डॉक्टर का काम है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को बहुत पहले समझा दिया था और यह भी कहा कि सरकार सो रही है, आंख मूंद के बैठी है, उसके बावजूद भी अगर सरकार ना माने तो अब सुप्रीम कोर्ट का बचता क्या है? या तो उठा के बंद कर दे जी, या उनकी कंपनी बैन कर दे। तो ये सब चीजें करने में जजेस भी सोचते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले जी। तो चीजें वही होती है कि सुधीर चौधरी को बंद क्यों नहीं किया गया, कि उनका कार्यक्रम कुछ दिन के लिए उनके ऊपर बैन लगा दिया जाए, उनको सजा दी जाए। हेट स्पीच फैलाने में आप कुछ बोल दीजिए, मैं बोल दूं FIR हो जाएगी, चले जाएंगे जेल जी। और नेशनल चैनल पे बैठ के वो अगर मान लीजिए ये ऐसी बातें बोल रहा था तो उसको भी उसी दायरे में रख के सजा मिलनी चाहिए। जब तक इस पे अंकुश नहीं लगेगा इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। जहां तक उत्तराखंड की बात है, ये मुद्दा भी चलेगा और धीरे धीरे इसमें नए नए चीजें आएंगी। वो उसकी किस्मत है कि वो अपने आप को कितना प्रूफ कर पाता है। अगर वो दिल्ली में था तो दुनिया की कोई ताकत, यहां नहीं रेमेडी मिलेगी, उत्तराखंड में हो सकता ना मिले, हाईकोर्ट में ना मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर उसको जमानत भी देगा और बाइज्जत बरी भी होगा जी। लेकिन हमने कई मामलों में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है जमानत नहीं दे रहा है। बहुत ही विशेष मामले ऐसे हैं, खास करके कुछ ऐसे पॉलिटिकल रिलेटेड इश्यूज हैं जिस पर जमानत नहीं दी जा रही है, और लंबे समय से जो कुछ नेता हैं या फिर बहुत एक्टिविस्ट हैं वो भी जेल की सलाखों के पीछे। अनिल सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी ही अगर है तो इसका उद्देश्य क्या, मात्र लोगों में एक डर का माहौल बनाए रखना, या इससे आगे बढ़कर कुछ सीधे सीधे लोकसभा चुनाव में अपनी कैंडिडेटसी का जो है उसको पुख्ता करना, अपने लिए टिकट पुख्ता करना, कुछ ऐसा भी हो सकता है? नहीं नहीं, मुझको अब इसमें समझने, जो मैंने अभी आपका देख रहा था स्क्रॉल की स्टोरी जी, उसमें मेरी समझ में नहीं आया। वो आदमी तो घूम रहा है कांग्रेस और बीजेपी सब लोगों के पास, बलवीर पुंज का नाम लिया गया है जिससे वो मिला भी है, और उन्होंने कहा कि वो हमसे मिला आया था 12 बजे दिन में। तो ये तो उसमें उसका पूरा किस्सा है, और वहाँ वो गया था तारिक अनवर के यहाँ भी मिला, और कहाँ उसके साथ एक तिवारी कांग्रेस का लीडर भी था, तो वो सब जगह मिल रहा है। इसका मतलब एक पॉलिटिकल वर्कर, मतलब व्यक्ति है, बिजनेसमैन है लोकल जी। अब उसको फंसा ये क्यों रहे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर वो मतलब ये जो जिनका नाम लिया गया है बीजेपी लीडर्स का, कम से कम बलवीर पूंज वगैरह तो कोई वहाँ के हल्द्वानी में किसी दंगे में की योजना बनाने के काम में इन्वॉल्वमेंट है ऐसा मुझको नहीं लगता जी। क्योंकि हम भी मतलब मैं जानता हूं उनको, व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट तो हम जानते हैं कि बलवीर पूंज एक अच्छे कॉलमिस्ट, मतलब RSS के ही आदमी है, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। कोई दंगा वंगा कराने की स्थिति का मतलब कि योजना में शामिल हो ऐसा लगता नहीं है जी। इसका मतलब ये है, और वो घूम कांग्रेस के लोगों से भी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो लोकल इन्फ्लुएंशियल आदमी है उसका निश्चित तौर पर कांग्रेस और ये जो लोकल इन्फ्लुएंस है उसको लेकर के उनको टारगेट उसको किया जा रहा है, और उसको टारगेट करने का अब जो मतलब जो स्टोरी मेरी समझ में आती है उसमें ऐसा नहीं, क्योंकि मुझको लगा क्या कि वो किन लोगों से लीडर से मिल रहा था, तो दोनों तरह के लोगों से मिल रहा है। लेकिन जिनका पर्टिकुलर बलवीर साहब का नाम आया है तो निश्चित तौर पर उनके ये होने की उम्मीद बहुत मतलब चांसेस इसकी कम है कि वो जो है उसमें शामिल हो। इसका मतलब कि वो लोकल इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम है जिसका होल्ड है, उसको पुलिस ने टारगेट किया है ताकि वो जो कम्युनिटी है उसको मैसेज दे सके मतलब उनके खिलाफ, और ये एक आसान मोहरा बनाने के लिए। संयोग ऐसा है कि वो उतना इन्फ्लुएंस उसको है कि दिल्ली में वो कई जगह घूम रहा था उस समय, तो उसके पास एक एलिबाई जिसको बोलते हैं लीगल टर्म्स में, उसके पास एक वजह है
कि हम घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे ये बताने का। तो मुझको लग रहा है कि अब मामला मतलब एक चीज इसमें दो चीजें साफ दिखती हैं कि पुलिस किसी को मतलब ये साबित करना चाहती है कि मुसलमानों का एक हिस्सा दंगा कराने में के प्लानिंग में जुटा हुआ था और उसी ने दंगे कराए, ये तो क्लियर कट लग रहा है। इसको यूएपीए में डाल दिया, तो आप जो मुकदमे का की दिशा और जो उसका इन्वेस्टिगेशन की दिशा है उसको आप समझ सकती है। इसके लिए आपको कोई गेस करने की जरूरत नहीं है, जो बता रहे थे मुकुल साहब तो वो वही मतलब दिशा साफ है। अब प्रधानमंत्री उनको कर रहे हैं जिसका जिक्र कि उन्होंने किया, फॉलो कर रहे हैं, तो यही स्थिति है। तो निश्चित तौर पर पुलिस जो काम कर रही है उसका डायरेक्शन आपको पता चल गया है। अब ये एग्जैक्ट इस केस में उसका ये डिफेंस जो है कि बलवीर पुंज से वो मिला था, तो बलवीर पुंज का भी हमको लग रहा है इसीलिए वो सहारा ले रहा है क्योंकि उसमें बीजेपी के फॉर्मर एमपी है, तो इसके वजह से उसकी जान बच जाए जी। लेकिन पुलिस ने उसको टारगेट कर लिया है, वो इनोसेंट है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो चूंकि इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम है और वो उसका कनेक्शन है, वेल कनेक्टेड है पॉलिटिकली भी, इसकी वजह से ही उसको टारगेट जरूर कर रही है पुलिस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। अनिल सर आपका भी और मुकुल जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। तो आखिर अब्दुल मलिक जो कि हिंसा वाले दिन दिल्ली और नोएडा में था, आखिर उत्तराखंड पुलिस ने अपने FIR में ऐसा क्यों लिखा कि मुख्य आरोपी ही हिंसक भीड़ का नेतृत्व कर रहा था और उसने दंगे किए और जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, और इसी सिलसिले में अब्दुल मलिक के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है जिसे नैनीताल पुलिस एक बड़ी कामयाबी भी बता रही है। बहुत सारी बातें जो आगे आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएंगी, स्पष्ट होगी, तो एक एक जानकारी आप तक ज़रूर लेकर आएंगे क्योंकि बहुत ही अहम हो जाता है एक एक जान जो भी जाती है उसके पीछे क्या कारण है, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है या फिर कोई दुर्घटना है, इसका सच आप तक पहुंचाना हमारा दायित्व तो बनता है, निष्पक्ष पत्रकारिता का दायित्व तो बनता है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना कीमती फीडबैक हमें अवश्य भेजिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।